तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप को यूज करते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अपना खुद का फोटो सेट कर सकते हो। आपको भी पता होगा कि आप अगर यहाँ से फोटो सेट करते हो व्हाट्सएप से तो जो आपका डीपी होता है ना वहां पे आपको आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो आपके बैकग्राउंड है चैट का बैकग्राउंड है वहां पे आप सभी लोगों वॉलपेपर को सेट करते हो। लेकिन क्या आप अपने स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट किए हो? नहीं किए होगे, किसी को भी नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे स्क्रीन पे जो यहाँ पे स्क्रीन है वहां पे वॉलपेपर को अपना खुद का फोटो लगा के आप सेट करो या अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगा सको, किसी को भी नहीं पता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फोन में व्हाट्सएप के स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक वीडियो को लाइक कर देना है और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा देना है ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है चैट का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है जिसे चेंज कर सकते हो, आप सभी लोग कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप जो भी फोटो लगाना चाहते हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज करके लगा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये वाला फोटो सेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट वॉलपेपर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब किसी का भी मैं यहाँ पे चैट ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है लेकिन ये चैट के बैकग्राउंड में आ रहा है। अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ तो क्या यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है? आप देख सकते हो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे चैट के स्क्रीन पे यहाँ पे कोई भी एकदम पूरा वाइट दिख रहा है। यहाँ पे कोई फोटो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेट करने के लिए क्या करना है, अपने फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को फोटो सिलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप यहाँ पे रखना चाहते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो मेकअप ओवरले दिख रहा है ना इस वाले को यहाँ से ऑन कर देना। जैसे आप इसे ऑन करोगे परमिशन मांगेगा तो एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, यहाँ से परमिशन देना है, फिर बैक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से बैक करते हो फिर उसके बाद यहाँ पे ओवरले पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। अब यहाँ पे आप तो आपको कैपेसिटी जो है ना इसे आपको पूरा यहाँ पे 100 कर देना है। जैसे ही आप 100 करोगे आप यहाँ से हम बैक करते हैं, व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। अब हम करते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन। अब जाते हैं बैकग्राउंड में, अब यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे व्हाट्सएप भी ओपन हुआ है और बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पे मेरा खुद का फोटो भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने व्हाट्सएप के अंदर यहाँ पे स्टेटस वगैरह भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है यार, इसे आप भी अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूनिक ट्रिक है ये। यानी कि आप सोचो अपने व्हाट्सएप के यहाँ पे आप किसी का भी मतलब कोई भी व्हाट्सएप यूज़ करो, किसी का भी फ़ोन यूज़ करो, आप यहाँ पे जब खुद का फोटो लगाए रहोगे ना कोई भी देख करके आपसे जरूर पूछेगा कि भाई ये आपने कैसे किया अपने फोन में, हमें भी बताओ, हम भी अपने एंड्रॉयड फोन में ऐसा कुछ यूनिक करना चाहते हैं। तो आप अपने फोन को कुछ यूनिक बना सकते हो। तो अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।